Good afternoon, ma'am. Okay. So we're meeting after long, huh? Good afternoon, Kritika. So did anyone of you try making a pamphlet of health? Kisi ne try kiya, banaya kisi ne? Bhool gaye hum. Okay, Pratika wants to say something. Yes, Pratika. Ma'am, humne banaya hai. Ah, you made it. Wow. Would you like to share it with us? Ma'am, humne usme likha bhi hai. Hum aapko show bhi kar sakte hai. Humne usse decorate kara hai. Okay, let me put you in spotlight first, okay? All right, done. All right, my health, that's nice. And ma'am, humne yahan pe likha bhi hai. My physical health. I do dance and I play in the park that keeps me active every day. Okay. And ma'am, my social health. I stay honest always. I talk to my friends and family every day. This keeps my social health good. Okay. And ma'am, my mental health. I watch TV, play with my dolls, and doing art and crafts make me happy every day. Thank you. That's nice. Very cute little health one. Amazing. So was it fun writing about yourself? Yes, ma'am. Wow, that's nice. You've really done it nicely. Thank you, ma'am. You're welcome. Okay, Uday wants to say something. Yes, Uday. Uday, unmute. Beta, I've sent you the prompt. Yes, ma'am. आप कुछ कहना चाहते हैं? तो मैम गलती से एंड्री ओके मैम हमारे मैम हमारे पास लेट क्या नहीं है आपके पास मेटल लीड नहीं है हमारे पास मेटल लीड मतलब वेस्ट मेटल नहीं है हमारे पास तो वेस्ट मटेरियल क्या करना था हमने आई थिंक आप दो क्लासेस को ना मिक्स कर रहे हो आपको किसी और क्लास में बेटा चाहिए होगा वेस्ट मटेरियल यहाँ पे नहीं चाहिए हमें ओके या यू मैं म्यूट योरसेल्फ या यस केशव गुड मॉर्निंग वेरी गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून मैम मैम हमने पैम्पलेट नहीं बनाया हम अगली पीडी क्लास में आपको बना के दिखा देंगे ओके एंड व्हाट्स आवर टुडेस टॉपिक यू विल जस्ट गेट टू नो ओके ओके ज़ैनब मैम आई वांट टू शो यू अ बेंजो मिनी बेंजो व्हाट यू वांट टू शो मिनी बेंजो ओके All right. And did you make the pamphlet, Zainab? I've seen this. This no, is ma'am. Me. I will show you in next PD class. All right. No worries. Fine. So today's class, people, we begin with certain situations. Okay. Main aapke saath situations ko share karungi and We'll have a question in relation to it, and you guys can raise your answer. All right? Okay. The first situation is: let's say आप park में play कर रहे हो अपने friends के साथ, और वहाँ पर आपके neighbors में भी एक छोटा baby रहता है, जो वो भी play कर रहा है. अब play करते करते वो गिर जाता है, उसको चोट आ जाता है. अब आप क्या करोगे? What will you do now? Okay, Rishta. मैम उसे उठाएंगे और प्यार करेंगे उसको उठा के प्यार करोगे क्यों करोगे क्योंकि मैम वो छोटा सा लिटिल बेबी है ओके और आपके अंदर कैसी फीलिंग होगी तब आप कैसा फील कर रहे होंगे मैम प्यार में या सो कहने से आप उसका पेन फील कर रहे होगे उस टाइम पे यस मैम राइट
सो दिस फीलिंग और दिस ह्यूमन वैल्यू, जब हम किसी का पेन फील करते हैं और कुछ करते हैं उनको हेल्प करने के लिए, दैट्स कॉल्ड एज कंपैशन या फिर काइंडनेस. कि जब हम देख रहे हैं किसी को पेन है, कोई हर्ट है, तो हम कैसे उसकी हेल्प कर सकते हैं, दैट्स काइंडनेस और कंपैशन. ओके, सो दैट्स द ह्यूमन वैल्यू. नाउ सेकंड सिचुएशन इज, आपकी मामा आपके लिए ना मिल्क का ग्लास लाती है और टेबल पर रखती है, पर आप प्ले कर रहे हो, आपका ध्यान नहीं जाता और एकदम आपका हैंड लग जाता है ग्लास को, ग्लास गिर जाता है, मिल्क पूरा स्पिल हो जाता है. नाउ व्हाट विल यू डू, क्या करोगे आप? अजबा मैम, हम अपनी मदर की हेल्प करेंगे ताकि उन्हें लगे ना कांच का ग्लास. ओके, आप हेल्प करोगे ग्लास उठाने में और मिल्क भी वाइप करने में भी, और मम्मा को बताओगे क्या हुआ था, बताओगे कैसे गिरा था, सच सच बताओगे? यस. ओके, तो जब आप सच बताओगे तब आप कौन सा ह्यूमन वैल्यू पोर्ट्रे करोगे? अजबा, कौन सी ह्यूमन वैल्यू होती है जब हम सच बोलते हैं, सच बोलते हैं? यू आर व्हाट एट दैट टाइम? यू आर ऑनेस्ट. यस, आप ऑनेस्ट होते हो, राइट? ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट, आई विल हैव टू ओपन द डोर. Okay, the third situation is that your ma'am has taught you a new concept in maths today. थोड़ा सा वो difficult है, आपको समझ आ गया है but आपकी friend को नहीं समझ आया. अब आप क्या करोगे उस scenario में? Priyanshi? Yes ma'am. What will you do? Ma'am, हम उसे समझाएंगे. आप उसको एक्सप्लेन करोगे. तो जब आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हो तो यहाँ कौन सा आपका फीलिंग है या कौन सा ह्यूमन वैल्यू है जो आप एक्सप्रेस कर रहे हो? मैम हेल्प कर रहे हैं हम उसकी. यस, सो दैट्स हेल्पफुल. सो द ह्यूमन वैल्यू और द फीलिंग इज बीइंग हेल्पफुल, राइट? यू गॉट इट राइट. नाउ लास्ट वन, द लास्ट सिचुएशन इज कि आपका बर्थडे है, आपका फ्रेंड आपके लिए बर्थडे प्रेजेंट लाता है, आपको ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा वो गिफ्ट. अब आप क्या करोगे? व्हाट विल यू डू नाउ? कृतिका मैम, हम उससे बोलेंगे कि बहुत अच्छा गिफ्ट है, थैंक यू. ठीक है, उसको तो बोलोगे अच्छा है, बाकी सब लोगों को क्या बोलोगे, बाकी फ्रेंड्स को क्या बोलोगे? मेरे को अच्छा नहीं लगा. उनको सच बोल दोगे वैसे उसकी इंसल्ट नहीं हो जाएगी? उसको भी बैड लगेगा ना अगर उसे पता चलेगा कि प्रीतिका ने मुझे तो बोला अच्छा था और बाकी सबको बोला अच्छा नहीं था, फिर उसे भी बैड लगेगा. मैम किसी से नहीं बोलेंगे. राइट, किसी से नहीं बोलेंगे हम. हम सबको बोलेंगे अच्छा है. यू नो व्हाई? देखो, हम सब एक दूसरे से अलग है, है ना? तो जो चीज हमें पसंद है वो भी तो अलग हुई. तो कोई अगर हमारे लिए गिफ्ट ला रहा है वो अपनी पसंद से ला रहा है क्योंकि उसे लग रहा है कि गिफ्ट हमें अच्छा लगेगा. सो इट मींस दैट पर्सन लव्स अस एंड ही और शी केयर्स फॉर अस, राइट? तो वो तो अपना केयरिंग, अपना अपना लाइक अपना एडमायरेशन आपके लिए शो कर रहा है. तो हमारे लिए वो फीलिंग इंपॉर्टेंट है ना गिफ्ट से ज्यादा, कि जब वो हमारे लिए गिफ्ट लाए वो एक्चुअली हमारे लिए इसलिए लाए क्योंकि वो हमें पसंद करते हैं, हमारे केयर करते हैं, हमें एडमायर करते हैं. सो दैट फीलिंग इज इम्पोर्टेंट. बाकी गिफ्ट तो हम सब के अलग ही रहेंगे. अब लेट्स से एक टेडी बेयर है, टेडी बेयर हमें पसंद है, पर किसी को रेड कलर का पसंद है, किसी को व्हाइट पसंद है, किसी को बहुत बिग पसंद है, किसी को बहुत स्मॉल पसंद है ना? हम सबके अपने चॉइसेस होते हैं. तो इट मीन्स ये गिफ्ट तो बैड नहीं है ना, इट्स जस्ट लाइक कि मेरी चॉइस क्या है, मुझे क्या पसंद है, तभी हम किसी चीज को गुड या बैड बोलते हैं.
नहीं तो टेडी बेयर तो टेडी बेयर है ना, वो व्हाइट हो या ब्राउन हो या रेड हो, टेडी बेयर तो टेडी बेयर ही रहेगा, राइट? सो दैट्स द ओनली डिफरेंस. सो व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज द फीलिंग, कि कोई आपके लिए किस फीलिंग से गिफ्ट लाया है, दैट इज इम्पोर्टेंट. तो वो फीलिंग जब आप कंसिडर करते हो, इट मीन्स यू आर रिस्पेक्टिंग दैट पर्सन. सो रिस्पेक्ट इज व्हेन वी एक्सेप्ट द अदर पर्सन एंड देयर थिंग्स द वे इट इज. हम ये नहीं ढूंढते इसमें क्या कमी है क्या कमी नहीं, ठीक है? जब हम हर किसी को वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं ना, दैट्स गिविंग रिस्पेक्ट टू दैट पर्सन. तो हम जब वो गिफ्ट ऐसे लेंगे, उनको कहेंगे थैंक यू फॉर द गिफ्ट, बिकॉज हम उनका उसमें एडमायरेशन कंसिडर कर रहे हैं. सो वी आर रिस्पेक्टिंग दैट पर्सन. अब हमने यहाँ पर वैल्यूज सीखे, हमने कंपैशन समझा क्या है, काइंडनेस समझा, रिस्पेक्ट समझा, हेल्पफुल समझा. ये वैल्यूज होते क्या है, क्या मीनिंग होता है ह्यूमन वैल्यूज का या मॉरल वैल्यूज का? हम सब सुनते हैं ना मॉरल स्टोरीज, मॉरल वैल्यूज सीखने के लिए. क्या मीनिंग होता है मॉरल वैल्यूज का? एनीवन हु वुड लाइक टू गेस द मीनिंग? उदय प्लीज अनम्यूट. यस मैम. क्या मीनिंग होगा बेटा वैल्यूज का, गेस करो. आपने कभी सुना है मॉरल वैल्यूज वर्ड? सुना है मॉरल स्टोरीज? सुने जिनसे हम कुछ लेसन लेते हैं, मॉरल स्टोरीज सुने ऐसे स्टोरीज कभी? जैसे कि क्रो का स्टोरी था, पॉट में उसे पेबल्स डाले ताकि वाटर ऊपर आ जाए. सो वी लर्न द लेसन कि हमें हर काम सोच समझ के करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए. आपने कभी ऐसे स्टोरीज नहीं सुने? तोते वाले देखी है, पर तोते वाले के आगे हमने उसके आगे ऐसी स्टोरी की वो नहीं देखी कभी. Okay, then I would suggest you start reading stories. Okay, start reading story books. All right. Okay, Arika wants to answer. Arika. मैम वैल्यूज वो होती हैं जो रिस्पेक्ट करते हैं, कोई अच्छी बात उसे हम वैल्यू कहते हैं. ओके, सो सम गुड थिंग्स टू दैट वी शुड बी डूइंग, उनको हम वैल्यूज कहते हैं. ओके फाइन. अर्चित. मैम किसी चीज की कीमत. किसी चीज की कीमत, तो यहाँ पर क्या मैं बोल सकती हूँ ह्यूमन बिहेवियर की जो वैल्यू हुई? Yes, ma'am. Okay, क्योंकि मॉरल तो बिहेवियर ही हो गया ना आपका. Yes, ma'am. Okay. Arika, I can see you're showing something. It's about you, your qualities. Huh? Okay. You want to say something? Ma'am, ने girl draw करी थी. Okay, that's very pretty, sweet girl like you, huh? Thank you, ma'am. You're welcome. So you're happy? अपनी qualities लिख कर आपको अच्छा लगा? Yes, ma'am. Is also unique in herself, huh? Yes, ma'am. That's nice. Okay. So as Ajit says कि किसी चीज की value, तो यहाँ हम human behavior पे value डाल रहे हैं. Okay. Rujda. मैम नैतिक वैल्यू बोलते हैं. Okay, nethic value, what we should be following every day. Pritika. Ma'am, achhi baatein jo hume seekhni chahiye, hamara behavior achha. Right, jo hume seekhni chahiye, hamara behavior waisa hona chahiye. All right. Zainab. Ma'am, aapne jo wo starting mein jo aapne wo kahe the na, उनका आंसर देने के लिए हमने किया था. Alright, so if you see values, it means कि हमें कैसे बिहेव करना चाहिए. Okay? कि लोग हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हम क्या लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं, कैसे बिहेव करना चाहिए. अब मैनर्स का क्या मतलब हुआ फिर? वैल्यूज तो हमें समझ आ गए कि वो वैल्यूज जो हमें सीखने चाहिए, हमें वो फॉलो करने चाहिए. मैनर्स का क्या मतलब? एनीवन?
All right, Pritika, tell. Ma'am, हमारी आदतें, हमारा व्यवहार. Very true. So manners होते हैं action. आप कैसे behave करते हो? अब जैसे कि जब हमने dining etiquette किए थे, उसमें हमने जब table manners सीखे थे, तो हमने क्या कहा था कि हमें sound नहीं निकालना चाहिए soup पीते हुए, right? नहीं निकालना चाहिए. It means कि सब हमसे ये चाहते हैं और हम भी यही चाहते हैं कि कोई और भी ना निकाले साउंड, राइट? तो ये तो हमारी मॉरल वैल्यू में आ गया, एटिकेट्स में आ गया. पर जब हम एक्चुअली में जब सूप पी रहे हैं या टी कॉफी पी रहे हैं और साउंड नहीं निकाल रहे, ये हमारे मैनर्स हो गए, क्योंकि हम ये कर रहे हैं, बिकॉज वी आर टेकिंग एक्शन. ओके, सो मैनर्स होते हैं वो बिहेवियर्स जो आप एक्शन में ला रहे हो, जो आप कर रहे हो. Those are manners. Moral values होते हैं जो हमें करना चाहिए. Okay? Now the important question is कि क्यों हमारे लिए important होता है good manners हो हमारे, या हमारे good moral values हो, क्यों important है हमारे लिए? Can anyone think? Harsh? मैम, हम सुबह उठते हैं तो good morning करनी चाहिए और सोते वक्त good night कहनी चाहिए. तो आ रहे हो तो जा रहे हो तो मैम नमस्ते करना ही चाहिए. क्यों चाहिए? क्यों? क्यों का जवाब दो. ये तो डेफिनेटली करना चाहिए. क्यों? क्यों हमारे मॉरल वैल्यूज और मैनर्स अच्छे होने चाहिए? क्योंकि मैम सब हमें अच्छा कहे. राइट, सो दैट पीपल एक्सेप्ट अस, सब हमारे साथ रहे, राइट? यस मैम. ओके, वेदांशी. क्योंकि मैम हमारे मैनर्स से ही हमारी पहचान होती है. डेफिनेटली यस, हमारी पहचान, हमारी आइडेंटिटी हमारे मैनर्स से ही होती है. क्योंकि अगर हम बैडली बिहेव करेंगे या हमारे बैड मॉरल वैल्यूज होंगे, तो सोचने की बात है ना कि सब यही सोचेंगे कि पता नहीं कैसे फैमिली से आए हैं, पता नहीं कैसे स्कूल से आए हैं. आती है ना ये बात सबसे पहले, तो हमारी पहचान बन गई कि हम अपने आप को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अपने फैमिली और स्कूल को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं. वेरी ट्रू वेदांशी. मतलब होता है गुड मैनर का कि हमारा व्यवहार कैसा है. तो क्यों होने चाहिए हमारा व्यवहार अच्छा, गुड मैनर्स क्यों होने चाहिए? उससे हमारी पहचान. और उससे भी अगर आप देखो. ओके कृतिका. मैम हमारे गुड मैनर से हमारे नेचर के बारे में, हमारे व्यवहार के बारे में पता चलता है. वेरी ट्रू. तो सबको एक तो पता चलता है कि हम कैसे पर्सन है. अब जब सबको पता चलेगा हम कैसे पर्सन है, तभी वो हमसे फ्रेंडशिप करेंगे, तभी वो हमसे रिलेशन रखेंगे. तो अगर हमारा मॉरल वैल्यू अच्छा नहीं है या हमारे मैनर्स अच्छे नहीं है, कोई हमारे पास आएगा, कोई हमसे बात करेगा नहीं, तो हमारा फ्रेंड सर्कल भी नहीं होगा, हमारे से कोई रिलेटिव भी बात करना पसंद नहीं करेगा. सो पीपल विल नॉट लाइक टू टॉक टू अस आल्सो. नाउ एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन, हम कभी हैप्पी रहेंगे? हम हमेशा सैड सड़ू इरिटेटेड से ही बन के रहेंगे, है ना? तो यानी हम पे भी इफेक्ट आ रहा है, हम और ज्यादा इरिटेटेड और ज्यादा गुस्से वाले बनते जाएंगे. सो इट विल अफेक्ट अस ऑल्सो बैडली अगेन. सो इफ यू हैव पीपल अराउंड अस वी आर मोर हैप्पी, क्योंकि हम एंजॉय करते हैं उनके साथ. तो वही अगर कोई नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, राइट? सो डेफिनेटली इट्स इम्पोर्टेंट फॉर अस. वाई? बिकॉज वी लिव इन अ सोसाइटी, हम सब एक साथ मिलके रहते हैं. सो जस्ट टू हैव दोज रिलेशंस इन द गुड शेप, वी नीड टू हैव दीज वैल्यूज एंड मैनर्स. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज कि हमें कैसे पता चलता है कि क्या चीज हमें करनी चाहिए, क्या चीज नहीं करनी चाहिए. उसके लिए लेट्स वॉच वन स्टोरी टू अंडरस्टैंड इट. ओके, आई जस्ट प्ले द वीडियो. Okay, can I just see a thumbs up if you all can see the screen? Okay, Archit has given the thumbs up, Rishita has given right. So I'll just play the story. Let's watch. Ramu was in a hurry. He was walking through a farm. I have earned enough money for my mother's treatment.
The moment I reach my village, I will start treatment for her. At the same time, two friends were walking behind Ramu. Hey Ganesh, what are you thinking? Hurry up! No, Chan. I was thinking of... Hey, look! The fellow who is walking before us has dropped a bag. Come, let's see what it is. Hey, it's heavy. Let's see what's inside. Oh my God, cash! Is it? The man seems to be unaware of it. Let us take it for ourselves. Chan, what are you saying? It's not ours. We have to return it to him. Oh Ganesh, let's take it. No Chan, I will not allow you to do that. We have to return it to him. Who knows? It might be for some important purpose. Ganesh, listen, listen. Ganesh walked ahead and called out. Sir, I think this bag belongs to you. Yes, it's mine. Oh, I missed it. How did I miss it? Thank you. Do not mention, sir. You do not know how much you have helped me. This money is for my mother's treatment. Oh God, I can't even think what would have happened to her if you had not returned it to me. I am really thankful to you. You carry on, sir. Let your mother get well soon. Bye, friends. Come, let's go, Chan. Ganesh, I was about to do a great mistake. You saved me from it. Now I learn the real joy of doing the right thing. Okay, so that was the story in which you saw Ganesh and Chan, right? So Ganesh ne jo end mein faisla liya, wo right tha, ya jo Chan usko karne ko keh raha tha, wo right tha. Who was right? Kumkum, please unmute and answer. Wait, I think it has gone to the wrong person. Kumkum? Yes, ma'am. So, beta, kiska faisla sahi tha? Ganesh ka ya jo Chand faisla lene ko keh raha tha, wo right tha? Ma'am, Chand ka. Chori karne ka faisla thik tha na, Chand ka? No, ma'am. No. फिर गणेश ने तो वापस कर दिए थे तो गणेश ने ठीक किया था यस मैम क्यों ठीक किया था मैम क्योंकि वो जो वो था मैम वो उसकी मदर की ट्रीटमेंट के लिए थे पर उसको थोड़ा ना पता था गणेश को कोई पता था गणेश को फ्रेंड थोड़ा ना था रामू का और वैसे भी चांद तो ठीक ही कह रहा था ना हमें ले लेने चाहिए थे कोई देख थोड़ा रहे था चुराते हुए रामू को भी नहीं पता था कि मेरे पैसे गिर गए तो उसे भी नहीं पता चलता किसने उठाए मैम हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था मैम हम जिसके पैसे होते हैं हमें उसे वापस दे देने चाहिए ऐसे पैसे थोड़ा ना होते हैं कोई भी चीज किसी का पेन गिरा हो किसी का कुछ गिरा हो हम उठा लेते हैं कोई देख थोड़ा रहा सच्ची कोई नहीं देख रहा होता ना She's laughing, huh? How can you forget? You have two eyes. क्या आप अपने आप को नहीं देख रहे? क्या आप अपने आप को कभी चोर कहोगे? आप अपने आप को कभी as in thief देखना पसंद करोगे? नहीं. So कोई ना देख रहा हो हमें कुछ भी wrong बात करते हुए हमें कैसे भूल सकते हैं कि हम तो खुद को देख रहे हैं ना? है ना? और उससे भी important क्या आता है कि जब हम खुद को देख रहे हैं अगर मैं ये चाहूंगी कि कोई मेरी चीज ना चुराए स्टीलिंग नॉट अलाउड है तो यानी कि वो मेरे लिए भी तो है ना कि स्टीलिंग नॉट अलाउड बाय मी आल्सो सो वो क्लैरिटी आपने देखा गणेश में थी उसको क्लियर जस्ट अ सेकंड प्लीज ओके So गणेश को अगर हम देखें क्लैरिटी था कि स्टीलिंग नहीं कि कोई देख रहा है नहीं देख रहा मुझे चोरी नहीं करनी है ना पर चांद कंफ्यूज था उसको नहीं समझ आ रहा था कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है तो हमें ये राइट और रॉन्ग क्लैरिटी से आता है और ये क्लैरिटी पता है क्या होती है ये होती है एक स्टूपिड लाइन
दिस इज योर स्टूपिड लाइन, यानी कि बाउंड्री। ये बाउंड्री हमें बताती है कि इस बाउंड्री के बाहर जो हमारे बिहेवियर्स हैं वो नॉट अलाउड है, और इस बाउंड्री के नीचे जो हमारे बिहेवियर्स हैं वो अलाउड है। ओके, नाउ फॉर एग्जाम्पल स्टीलिंग, जैसे स्टोरी में स्टीलिंग का एग्जाम्पल था, चोरी, चोरी अलाउड नहीं है ना, वो कुछ भी हो, वो एक 1 रुपी हो या 1000 रुपीज हो, वो एक पेंसिल हो या फिर कोई कॉस्टली पेन या कोई आइटम या बैग हो, वो अलाउड नहीं है, है ना, तो वो लाइन के ऊपर आया ना, बिकॉज दैट्स नॉट अलाउड। सिमिलरली सच बोलना, अब आपको क्या लगता है सच बोलना कहाँ है, वो लाइन के नीचे आएगा अलाउड आएगा या लाइन के ऊपर आएगा नॉट अलाउड, कहाँ आएगा बीइंग ऑनेस्ट? दिवाकर मैम, वो लाइन के नीचे आएगा अलाउड। राइट, वो लाइन के नीचे आएगा, दैट इज अलाउड। सिमिलरली अगर मैं आपसे बिहेवियर की बात करूं, लेट्स से व्हेन, जब हमारी फाइट हो जाती है ना, हम थोड़ा जोर से लाउडली एंग्री तरीके से बोलते हैं, अब वो कहाँ पे डालेंगे बीइंग एंग्री व्हाइल वी आर हैविंग एन आर्ग्यूमेंट, एकदम बैडली रूडली बात करना, उसको कहाँ डालोगे, अबव द लाइन या बिलो द लाइन, कहाँ डालोगे? यस, ओके सॉरी, यस या मैम, नॉट अलाउड में, नॉट अलाउड, तो यानी वो लाइन के ऊपर आ गया, राइट? सिमिलरली अब कोई और बताओ बिहेवियर, कैन एनीवन थिंक ऑफ बिहेवियर जो हम लाइन फिर हम देखते हैं वो लाइन के ऊपर आएगा या नीचे, थिंक ऑफ एनी अदर बिहेवियर, हु वुड लाइक टू थिंक, अभी वुड यू लाइक टू थिंक ऑफ अ बिहेवियर? प्लीज रेज द वॉल्यूम विद योर सेल्फ। मैं कह रही हूँ कि आप कोई बिहेवियर बताइए जो अलाउड हो या नॉट अलाउड हो, कोई भी बिहेवियर, जैसे हमने अभी डिस्कस किया सच बोलना, फाइट नहीं करना, रूडली नहीं बोलना, बताइए जो अलाउड हो, कोई भी बता सकते हो आप, अलाउड नॉट अलाउड। राइट, सो नो हिटिंग, सो हिटिंग नॉट अलाउड, तो वो स्टूपिड लाइन के ऊपर आ गया। सिमिलरली ईटिंग जंक फूड एवरी डे, व्हाट अबाउट दैट, इज इट अलाउड और नॉट अलाउड? Not allowed, right? तो not allowed यानी कि वो लाइन के ऊपर आ जाएगा, बाउंड्री के बाहर हो गया। But eating junk food sometimes, कभी कभी, that's allowed, right? So you know, ये stupid लाइन की जब हमें क्लैरिटी होती है ना कि क्या अलाउड है क्या नहीं अलाउड है, ये हमें ना choices देने में बहुत help करता है, हमारी choices good होंगी या फिर bad होंगी। Okay, so it will matter on that. Just give me a minute. Keshav wants to say something before I proceed from here. Let's listen to him once. Yes, Keshav. Ma'am, I want to tell ki humme behaviors batane aur situations batani hai. Okay. Ki humme kisi ko ye baat pehli ki humme kisi ko bifalto mein marna nahi chahiye aur humme ab humme जो बेफालतू के शब्द होते हैं ये गाली गलौज होती है हमें वो नहीं करनी चाहिए। सो नॉट अलाउड अबव द लाइन। एंड मैम अगर मान लीजिए कि आपके सामने कोई तीन बेगल बैठे हैं, आपके पास सामान है एक बेगल को देने का, तो आप क्या करोगे? तीन बेगल बैठे हैं और मेरे पास सामान है एक बेगल को देने का, ओके, नाउ दैट विल डिपेंड मेरे पास क्या सामान है पहली बात तो। ओके, मैं आपको बताता हूँ, वन ईयर के लिए स्टडी के पैसे, ओके, फूड और क्लोथ, फूड एंड क्लोथ, आई विल प्रेफर फूड एंड सेकंड आई विल प्रेफर क्लोथ्स, ओके, बाय फर्स्ट विल बी फूड, ओके, नाउ मैम आई टेल व्हाट आई गिव टू थ्री बेगर्स, आई गिव मनी फॉर देम स्टडी, क्वार्टर पास्ट Because we give money, eat money make some days good, but
the study makes full life good. Right. But Keshav, over here again, there is a twist. If you will give him money for studies, he may use it in the wrong way. You don't know. Right. But if you put him in a school and you pay the fees to the school, that will be the better way of handling that situation. Yes. So funding the education by putting them in the school. Okay. Because aap aise bhi paise doge to aapko nahi pata wo kahan pe kharch kar rahe hai. Zaruri nahi na wo education pe kare. Right? Yeah. So you can put them in school and maybe pay the fees. Then you are funding their education in that scenario for sure. Your name? My name? Okay, yes. It's Ritika. You remove P from Ritika's name, my name comes. Ritika. Yeah. Okay. So now, right. So we were talking about the good choices and the bad choices. तो अब जैसे केशव वाज शेयरिंग विद अस की फाइट होती है तो कभी कभी हम रॉन्ग अब्यूसिव वर्ड्स यूज कर लेते हैं, कभी हम हिट कर लेते हैं. तो ये हम कब करते हैं? जब हमारी स्टूपिड लाइन की क्लैरिटी नहीं है. बट जब हमें पता है कि हिटिंग ओके, तो अगर मुझे पता है कि नॉट अलाउड है हिटिंग, सो उस सिनेरियो में मैं क्या करूंगी, मैं उस सिचुएशन में हिटिंग और बैड लैंग्वेज यूज करने के बजाय आई विल सिट डाउन एंड आस्क द पर्सन, लेट्स सिट एंड अंडरस्टैंड ईच अदर. तो मेरा उस सिचुएशन को हैंडल करने का वे बदल जाएगा, है ना. बट अगर मैं ये सोचूं कि अच्छा इस बार फाइट नहीं करती, अगली बार कर लूंगी, तो मेरी स्टूपिड लाइन कंफ्यूज हो गई ना. उसको तो नहीं पता कि अब क्या करूं, कभी मैं फाइट करती हूँ, कभी मैं नहीं करती, कभी मैं रूड होती हूँ, कभी मैं नहीं होती. तो स्टूपिड लाइन में फिर हमें कंफ्यूजन हो जाती है. तो अगर हमें उस कंफ्यूजन को एलिमिनेट करना है तो इट मींस हमें उसको हमेशा फॉलो करना चाहिए. तो जितना आप उसको फॉलो करते जाओगे वो उतनी स्ट्रॉन्ग आपके अंदर होती जाएगी एंड योर चॉइसेस विल बी गुड इन दैट सेंस. एंड गुड चॉइस का मतलब है जिसमें आप भी हैप्पी रहते हो और आपके आसपास जो लोग हैं उस सिचुएशन में इन्वॉल्व वो भी हैप्पी रहते हैं. ओके, सो कैन नाउ एनी वन ऑफ यू थिंक कि कोई ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन था आपके लाइफ में जब आपने उसको एक गुड चॉइस लेकर हैंडल किया? वुड एनीवन लाइक टू शेयर दैट? ओके, अभी वांट्स टू शेयर, अभी गो अहेड. यस मैम. मैम वो ना हम ना अपने दोस्तों के साथ एक दिन गली में खेल रहे थे. यस, तो ना मैम एक दिन ना वो खेल रहे थे जब, तो मैम ना क्रिकेट खेल रहे थे, तो एक बार मेरे फ्रेंड ने बैट घुमाया ना मैम बॉल के ऊपर, तो मैम वो हमारे हैंड पे लग गया, थोड़ा जोर से लग है ना, तो मैम हमने ना फिर उसको कहा कि चले काम करते हैं, तूने मेरे मार दी, फिर मैं भी तेरे एक बार छोटा सा हिट कर देता हूँ, फिर हिसाब बराबर और लड़ाई खत्म हो जाएगी. बैट पार्ट की, जब बैट लगा तब आपने क्या डिसाइड किया जो ये आया कि हिसाब खत्म? मेरा वो बीच का पार्ट मिस हो गया थोड़ा सा. मैम जब बैट लगा ना मैम, तो मैंने बोला कि एक काम करते हैं कि ना मैं थोड़ा सा तेरे को एक बार तेरे को हिट कर देता हूँ, फिर तूने मुझे किया, मैंने तुझे किया, फिर मैम दोनों ने हिट कर दिया, तो मैम फिर दोस्ती हो गई. ओके, और क्या कर सकती थी? देखो अब आपको कितनी जोर की लगा वो तो आपको ही पता है ना अभी, बट आपके फ्रेंड को नहीं पता. अब लेट से आपने उसको हल्के से हिट किया बट वो कहे ये तो बहुत तेज था, और फिर फाइट में वो बदल जाए, तो और क्या कर सकते थे? मैंने भी हल्के से ही किया था, उसका भी हल्के से ही लगा. हल्का आपको पता है ना अभी, मैंने वही कहा. देखो पेन कितना होगा, अब लेट से मैं आपका फिंगर ऐसे प्रेस करती हूँ, वो पेन कितना है वो तो आपको पता है, वो मुझे नहीं पता हो सकती ना. आपको कितनी दर्द हो रही है? किसी को होता है मैं हल्का सा प्रेस करूं हल्का सा पेन हो, किसी को होता है जो बहुत जोर से शाउट करना ही शुरू कर दे जैसे पता नहीं कितना पेन कर दिया मैंने. तो ये सब तो वेरी करता है. तो अब लेट से आपके हिसाब से तो वो धीरे से ही था, बट अगर उसको लेट से लगा होता, कई बार होता है कि हमने लेट से हल्का सा हिट किया, आपको पता है हमारी पुस्त पे नकल्स होते हैं, इसमें आप हल्का सा भी हिट करोगे तो जोर से लगती है.
उसको यहाँ लग गई होती तो उसके लिए तो वो जोर से होता है ना, तो फिर ये फाइट और ज्यादा बढ़ती, तो हम और क्या कर सकते थे कि वो फाइट की तरफ ना जाता, क्या कर सकते थे हम, सोचो। तो मैम हम ना एक काम कर सकते थे मैम, या तो हम उसके साथ खेलना ही बंद कर सकते थे, या फिर मैम सॉरी बोल सकते थे। राइट, ये बेस्ट रहता। देखो खेलना बंद तो नहीं कर सकते क्योंकि वो हर बार तो ऐसे नहीं करता, है ना, वो तो उस दिन हुआ, तो आप उससे आई थिंक अगर पूछ सकते थे कि मेरे को लग गई थी, तो अगर उसको पता चलता आपको लग गई, मे बी उसको रियलाइज भी ना हुआ हो कि लग गई, क्योंकि आपने खुद कहा था वो गलती से लगा था, है ना, तो अगर आप उसको ये बोल कि मुझे लग गई, तो वो ऑफकोर्स आपको कहता ना आई एम सॉरी मैंने रियलाइज आपको लग गई, तो उससे आपको पता चल जाता वो कितना जेन्युइनली आपसे बात कर रहा है और आपका अच्छा फ्रेंड है। उसने अपनी गलती मानी, सो यू शुड बी हैप्पी। फिर आपको यहाँ पे दोबारा आगे जाना ही ना पड़ता ना कि मैं आपको हिट करता हूँ तो बैलेंस हो जाएगा, फिर ये बात ही नहीं आती। यस मैम, बट वो बड़े थे ना तो उन्होंने कहा कि चल कोई बात नहीं तू भी एक बार हिट कर ले फिर हम दोस्त बन जाएंगे। तो अगली बार आप स्मार्ट होकर उनको बोलना कि भैया मैं तो धीरे से करूं, अगर आपको जोर से लग गया तो फिर तो हम फ्रेंड नहीं बनेंगे ना, तो एक काम करते हैं आप मेरे को सॉरी बोल दो। सो देखो कितना डिफिकल्ट होता है ना, सॉरी वर्ड कहने में तो कितना इजी लगता है पर कितना डिफिकल्ट होता है, राइट, कितना डिफिकल्ट होता है बोलने में। एब्सोल्युटली गुड सिचुएशन अभी, आई रियली लाइक द सिचुएशन एंड इट वॉज गुड टू एंगेज इन द कॉन्वर्सेशन। Anyone else who wants to share the situation of choices? Okay, Arvi wants to share. Arvi, go ahead. मैम, एक बार मैं ना बाहर खेल रही थी। Okay. तो मेरी फ्रेंड है एंजल, उसके संग मेरी लड़ाई हो गई थी। Okay. वो ना अपनी चीज पे बहुत बनती है। Okay. फिर आपने क्या किया? फिर मैं जब दूसरे क्लास के बाद चली जाती थी तो वो मुझे बोलती थी कि तू मेरे संग नहीं खेलती। ओके। तो फिर वो मेरे संग तो खेलती है नहीं, तो फिर मैं दूसरे के साथ खेलती हूँ, फिर वो मुझसे बोलती रहती है। ओके। आई थिंक यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए अलग से आरवी, क्योंकि देखो आपने एक परसेप्शन उसके लिए बैड भी बना लिया ना अपने माइंड में कि वो दिखाती है वो ऐसे है ना, तो फिर ऐसे तो क्या होगा ना, इवेंचुअली आर्गुमेंट ही होगा। तो अगर तो मैं इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करूं कि मुझे किसी और के साथ भी खेलना है और वो भी मेरे लिए फ्रेंड ही है, तो मैं क्या कर सकती हूं? जब एंजल की मदद के संग खेल लेती हूं, जब दूसरे बंदे के संग खेल लेती हूं। राइट, तो यहाँ अगर आप उससे बात करोगे, उसको कहोगे कि देखो अगर हम सब मिलकर खेले तो ज्यादा मजा आएगा ना, अगर आप उससे ये बात करो, उसको आप ये कहो कि देखो मैं आपकी भी फ्रेंड हूँ, मैं उसकी भी फ्रेंड हूँ, तो क्यों ना हम सब मिलकर खेलें, तो हमें और मजा आएगा, जितने लोग होंगे हम उतना गेम को ज्यादा देर तक एंजॉय कर पाएंगे, है ना। तो आपको लगता है उससे बात कर कर कुछ सोल्यूशन निकल सकता है? Yeah. तो वो गुड चॉइस की तरफ जाएगा, सो ट्राई टॉकिंग, ठीक है, आई एम श्योर शी विल अंडरस्टैंड। ओके, या ओके, आरव वांट्स टू शेयर समथिंग। मैम एक दिन मैं बाहर खेल रहा था ना, तो ना मेरी एक दोस्त है जो मेरे सारे फ्रेंड छीनवा लेती है, तो मैं फ्रेंड को अपने जो वो छीनती है ना मेरी फ्रेंड्स, मैं उन फ्रेंड अपने फ्रेंड्स को बोलता हूँ आ जाओ हम एक साथ मिलकर खेलेंगे, पर वो नहीं मानते, तो फिर वो जो फ्रेंड है उसको भी बोलता हूँ मैं कि सब खेल मिलके खेलेंगे, तो भी नहीं मानती, वो भी नहीं मानती। फिर आरव अब ये सोचो कि वो क्यों आपके साथ नहीं खेलते, क्या रीजन हो सकता है? कभी आपने उनसे पूछा? एक दिन मेरे साथ उसकी लड़ाई हो गई थी। आपकी लड़ाई हो गई थी, तो जब लड़ाई हुई थी आपने कैसे सॉल्व किया था उसको, उस सिनेरियो को? मैम पहले
उसने मेरे को मारा, फिर मैंने उसको मैंने भी उसको धक्का दे दिया। हाँ, तो देखो उससे क्या हुआ, दोनों तरफ से बैड चॉइसेस ही आई ना, उसने भी बैड चॉइस करी, आपने भी, क्यों? क्योंकि हमें क्लैरिटी नहीं थी स्टूपिड लाइन की कि हमें हिट नहीं करना है ना, तो इस वजह से देखो रिलेशन में प्रॉब्लम आई थोड़ी सी। बट अब अगर आप उसके साथ बैठो और उसको सिर्फ ये कहो, आई एम सॉरी उस दिन मैंने आपको हिट किया, मुझे नहीं करना चाहिए था, आप अपनी मिस्टेक मानो। देखो अगर आप सॉरी कहोगे तो आप बड़े बनोगे ना, आप छोटे तो नहीं बनोगे। क्यों? क्योंकि अभी अभी क्या है, अभी उसको भी है कि मैं क्यों सॉरी बोलूं, अभी आपको भी है कि मैं क्यों सॉरी बोलूं। बट अगर आप सॉरी बोलोगे तो वो भी सोचेगा ना कि अच्छा यार, मींस कि मैं इसके लिए एक अच्छा फ्रेंड हूं, तभी इसने मुझे सॉरी बोला, राइट? सो ट्राई दैट, ट्राई सॉल्विंग दैट इश्यू। एक बार सॉरी बोलो, उसको बोलो कि मुझे, मैंने इसलिए उस दिन ऐसे किया क्योंकि आप भी हिट कर रहे थे, मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैं तो आपको अपना फ्रेंड मानता हूँ, तो फ्रेंडशिप में तो हम हिट नहीं करते ना, तो इसलिए मेरे से भी रॉन्ग हुआ, मुझे भी नहीं करना चाहिए था, आई एम रियली सॉरी। ठीक है, सारी मिस्टेक आप अपने पे लेना, उसको ब्लेम मत करना कि आप ऐसे हो, उसको ये कहना मुझसे मिस्टेक हुआ, मुझे नहीं करना चाहिए था, तो कैन वी बी फ्रेंड्स, अब हम ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, yes, और कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो मिलकर पहले बात कर सॉल्व करेंगे। ठीक है, ट्राई दैट एंड देन लेट्स सी कि चेंज आता है या नहीं आता। ओके, राइट, दिवाकर। मैम एक बार मैं अपने भाई के साथ बाहर खेल रहा था, तो मैम मैंने जब मैं खेल रहा था तो मेरे से उससे गलती से लग गई थी, तो मैम हम दोनों की लड़ाई हो गई, तो मैंने मैम कह दिया कि सॉरी, अब अगली बार ऐसा मैं नहीं मारूंगा, सॉरी, फिर मैम लड़ाई बंद हो गई। पता है जब लगी थी ना पहली बार में सॉरी बोल देते ना तो लड़ाई नहीं होती, ये भी तो सोचो। तो हमने पहले बैड चॉइस करी, फिर हम गुड पर आ गए वापस, विच वाज गुड कि हमें रियलाइज हो गया कि हमें चेंज करना चाहिए चॉइस को, बट उसे पहले स्टेप पर ट्राई करो करना। ओके ओके राइट ओके देन प्रीतिका वांट्स टू शेयर समथिंग। यस प्रीतिका। मैम हम आपको एक इमेजिनेशन वाली बताना चाहते हैं। ओके मैम, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं और कल आपका एग्जाम है, आपका आधा रिवीजन तो हो गया लेकिन आधा आपका बचा है, एंड आपका फ्रेंड अपने छोटे भाई या बहन को लेके आ गया, एंड अब वो बोलता है कि आजा हम बाद में एक साथ पढ़ेंगे, हम खेलते हैं, तो आप क्या करेंगे? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू आस्क मी एज अ स्टूडेंट, ना मैं पढ़ाई के टाइम पे किसी से मिलना पसंद नहीं करती, नॉट इवन माय पेरेंट्स, तो मैं उसे आने नहीं देती, मैं सीधा ये बोलती दैट फॉर मी राइट नाउ माय एग्जाम्स आर इंपॉर्टेंट, वी विल प्ले लेटर। आई वुड हैव बीन स्ट्रेट फॉरवर्ड इन सेइंग दैट बिकॉज़ आई डोंट लाइक डिस्टरबेंसेस व्हेन आई स्टडी, सो आई वुड हैव सेड दैट। और बहुत पोलाइटली, लड़कर नहीं कि आप भाई को ले आए या क्या, मैं पोलाइटली बोलती दैट लेट माई एग्जाम्स बी ओवर, देन वी विल प्ले, बिकॉज राइट नाउ दिस इज माई प्रायोरिटी। Okay, ma'am. Yeah. And what about you? What you would have done? Ma'am, हम बोलते हम पहले अपना पूरा सिलेबस जो रिवीजन हमारा बचा है वो करके आते हैं, तब तक आप दोनों नीचे खेल लो। Okay. I generally prefer being with myself when I study. I never enjoyed कि मेरे किसी फ्रेंड का भी फोन आए बीच में, to be very honest, क्योंकि मुझे ना बहुत disturbing लगता था कि time waste हो रहा है। I would rather invest that time in knowing little more about things. So, I've always kept relations separate from my work or studies. I mean that's how I was. I don't know why. And that's a good situation that you've asked, because her. So this shows we two are different, and we all are different in that scenario. That's nice. Okay. I'll just share the homework in the meanwhile. I've typed it in the chat. आपकी book में page 41 जो है, it talks about your good and bad choices. So you can just read it once to understand it. And in the end, it's page 44 and 53, which is about manners and again certain questions related to choices that you have to put it in good and a bad choice. That's thing. That's it. So आप कर लीजिएगा just to understand this a little better. Okay. And Asba wants to share something. मैम हम अपनी फ्रेंड की स्टोरी बताना चाहते हैं।
ओके मैम, हमारी एक फ्रेंड है रेदा, बहुत अच्छी थी, बहुत पोलाइट थी, लेकिन ना कुछ दिनों से जब से हमारे एग्जाम से नहीं आते, जब हम थर्ड में आए थे ना, उसके PT 1 के बाद वो थोड़ी सी अलग बिहेव करने लगी, तो हम सोच रहे थे कि कोई बात नहीं है, बाद में अच्छी हो जाएगी, कोई बात नहीं, एक दिन के लिए सह लेते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन जब जब वो हमारे घर आती, वो हमेशा अपनी चलाती। हमने डिसाइड करा था कि जिसका घर होगा हम उसी घर में उसकी उसका ही मर्जी चलेगी, उसकी मर्जी चलेगी। लेकिन वो अपने घर में भी अपनी मर्जी चलाती थी और मेरे घर में भी अपनी मर्जी चलाती थी, क्योंकि मैं बोलती थी कि रेता एक दिन मैं बन जाती, लेकिन वो मानती नहीं थी, और वो मेरे को सर में भी मारती थी, सर में मारना बहुत बैड होता है। तो एक दिन मेरी उससे लड़ाई हो गई कि रेता तू मेरे को मारती क्यों है, लास्ट टाइम जब वो आई थी, जब की बात है ये, तो मेरी उससे लड़ाई हो गई कि रेता तू मुझे मारते रहते हो, आप हमेशा ऐसे करते हो, तो ना मेरी उससे लड़ाई हो गई, हम दोनों ने एक दूसरे को हिट करा, लेकिन फिर हम दोनों ने एक दूसरे से दोस्ती तोड़ दी। लेकिन उसकी एक बहन है मायरा, हम दोनों डिसाइड करा कि हम दोनों फ्रेंड्स बन जाएंगे और रिदा के साथ भी खेलेंगे, लेकिन हम रिदा के साथ तो खेलेंगे और तेरे साथ भी खेलेंगे, ऐसा होगा फिर। लेकिन कभी कभार हमारी जब फ्रेंडशिप टूटती थी, 2 मिनट में ठीक हो जाती थी, क्योंकि हमारी फ्रेंडशिप बहुत गहरी है, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। वाओ, दैट्स नाइस। एंड आई वाज जस्ट कंसर्न्ड अबाउट दिस पार्ट, अजमा जब आपने कहा ना कि तेरी चलेगी मेरी चलेगी, अगर हमें पहले ही हटा देते ना तेरी मेरी वाला सिचुएशन और कहते हम जो करेंगे मिलके करेंगे, वो आपका घर हो या मेरा घर हो, राइट, अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं ये चूज करती, उससे क्या होता है ना कभी तेरी वाली बात आती ना मेरी वाली आती, जो आती वो हमारी वाली आती, तो शायद फाइट कभी आती ही नहीं, है ना। सो जस्ट थिंक एंड ट्राई, बट आपने आगे जैसे सिचुएशन हैंडल किया, दैट वाज गुड दैट यू स्टिल इन्वॉल्व दैट चाइल्ड इनटू द प्ले, इवन इफ यू आर प्लेइंग टुगेदर विद द सिस्टर, दैट्स नाइस डिसीजन, इट्स अ गुड चॉइस। ओके, यस केशव, yes ma'am, I want to tell a story. okay, मैं एक बार क्या हुआ कि हम अपने दो दोस्तों के साथ पार्क में खेल रहे थे, जब हमारा तीसरा दोस्त आया जिसका नाम नक्श था, तो वो आया, पता नहीं उसे एकदम से क्या हुआ, वो हमें गाली देकर भाग गया। okay, तो सबको बड़ा गुस्सा आया, मैंने कहा एक बार चलो उसे फिर से टीम में लेके देखते हैं, देन देखता है क्या होता है, वो सुधरता है कि नहीं। तो अगले दिन वापस आया मेरी टीम में लिया, 2-4 दिन बाद वो फिर से गाली दे के भाग गया, देन सबको बड़ा गुस्सा आया, तो हम लोग उसे मारने के लिए भागे, तो वो भाग गया, बट मैंने लोग उन दोनों को कहा, मैं भी भागा था वैसे तो, बट एंड टाइम पे मुझे याद आया कि अगर हम मारते तो पापा भी, जब मैं घर आता तो पापा भी मुझे बहुत डांटते कि तुमने क्यों मारा, तो इस बात पे मैंने उन दोनों को रोक दिया। उसके बाद हमने उसके साथ बात ही नहीं करी, हमने कहा भाई तुझे जाना तो जा, एक बार में हमने पूरी स्टोरी खत्म कर दी। ओके, तो अगर आप ऐसे सिचुएशन में पड़ती तो आप क्या करते? Luckily, I never ended in that situation. To be very honest, मेरा assets किसी से fight हुआ हो, because I was always like people's person. तो जो लोग मेरे friends नहीं भी होते थे ना, वो आके मुझसे अपने problems share कर रहे होते थे. That was the scenario with me. So I was one of the class favorite child always. I don't know why. I seriously don't know till date, but it used to happen a lot. तो कभी ऐसा fight वाला situation किसी के भी साथ नहीं आया. Whether I know the person or I don't know the person. So for me, the class meant we all are friends. Just that was the thing. Right? Any other thing anyone has to share?
Okay then, see you. We have a wonderful day. It was really amazing session. And Sharon, I read your answer also in the chat, what you've sent. And that was a nice way of handling the situation again. I personally liked it. That was amazing. So we meet again in the next session. It was great. You all participated so beautifully. Arav, you want to say something? Then you can directly unmute. I think I've sent the prompt. Yeah, you can unmute. Arav, if you have something to share. Okay, Arika, share. Arika, directly unmute kar lijiye beta. Maine prompt de diya. Okay, ma'am. मैम हमारी एक फ्रेंड है yeah. तो मैम हमें चोट लग रही थी तो उसने क्या किया उसने कहा आरिका आप अपना हैंड दिखाओ मैंने कहा आप मेरे थंब को पुश मत करना तो उन्होंने मेरा हैंड देखा और फिर उन्होंने मेरा हैंड पुश कर दिया थंब पुश कर दिया okay. तो हमारे थंब में बहुत दर्द हुआ था तो फिर हम घर चले गए फिर हमने उन मम्मा से कहा कि उन्होंने हमारे हैंड मतलब हमारे थंब को पुश किया था तो उनकी मम्मा ने उनसे कहा कि आप फिर ऐसा मत करना कभी फिर हमने यस मैम मैम फिर वो हमारे घर आई और फिर उसने हमसे सॉरी मांगी फिर हम दोनों फिर से फ्रेंड बन गए ऑलराइट सो दैट वाज गुड एंड दैट वाज अ गुड थिंग दैट यू इन्वॉल्व द एडल्ट खुद फाइट करने की बजाय आपने मामा का हेल्प लिया कि दैट वाज रियली गुड थिंग आरिका दैट वाज अ गुड चॉइस ओके देन वी विल मीट अगेन नेक्स्ट इट वाज अ वंडरफुल डे सीइंग यू ऑल बाय बाय